वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। यकीनन शाहीन बाग की दर्द में आप भी खड़े हुए और वो आवाज जो काफी पहले उठना थी यकीनन देर आए जूझता है, लेकिन अब हम सब बेदार हो चुके हैं। यकीनन इस कानून ने, इस काले कानून ने हम सबको उठा के खड़ा कर दिया है और अब हम जब तक के धरने से, इस मैदानों से हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक इस काले कानून को खत्म ना कर दिया जाए। यकीनन एक साइन बाग था जो मोदी जी और अमित शाह की नींद को हराम कर दिया था, आज हिंदुस्तान में सैकड़ों साइन बाग खड़े हो चुके हैं। यकीनन में इंदौर जामा मस्जिद से बड़वाली चौकी से आपके बीच आया हूं और हमने तो वहां पर, हमारे बच्चों ने तो लाठियां खाकर भी दुनिया को बता दिया, उन पुलिस वालों को, उन प्रशासन को बता दिया कि याद रखो हम इतने कमजोर नहीं कि तुम्हारी लाठियों से मैदान छोड़ दें, बल्कि हम तो ऊपर का मैदान याद रखने वाले हैं, हम तो ऊपर का मैदान याद रखने वाले हैं। लिहाजा याद रखो, अपनी हिम्मत को, अपने हौसले को नहीं तोड़ना, और यह हमारा हक है और हक के लिए हम आखिरी सांस तक के हम इनकलाब का नारा लगाते रहेंगे। इसीलिए के ताल्लुक से लोगों में गैर मुस्लिम भाइयों को कहूंगा, अगर यहाँ है या मेरी आवाज पहुंच रही है, उन तक के गलत पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि जो मुसलमान जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से जो गैर मुस्लिम भाई है, जो अल्पसंख्यक है, जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको यहाँ पर बुलाकर नागरिकता हम जो देना चाहते हैं ना, इसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो याद रखो, कान खोल कर सुन लो, अरे हम तो उस नबी के चाहने वाले हैं कि जिस नबी ने तो हमारे दिलों को, हमारे सीने को इतना वसी किया है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम पेट भर कर सोए हो, उस दिन तुम हमारी आबादी में से नहीं, तुम सोसाइटी में से नहीं। सुन लो, अलम चीन जैसा नहीं कहते, खाली अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं मोदी जी, दुनिया के किसी कोने में कोई गैर मुस्लिम को अगर सताया जा रहा हो, सबको बुला लो, आधी रोटी हम खाएंगे, आधी उनको खिलाएंगे। याद रखो, ये जनता मूर्ख नहीं है, अच्छे दिन आने वाले। अरे हम जनता के अच्छे दिन नहीं आए, मोदी जी तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। ये जितना तुम सरकारी बसों में ना घूमे ना, उससे ज्यादा जनता के पैसों से फ्लाइटों में घूमकर करोड़ों बर्बाद कर रहे हो। अरे जनता को एससीए नहीं चाहिए, एनआरसी नहीं चाहिए, एनपीआर नहीं चाहिए, अरे जनता को तो की रोटी चाहिए यार, तो तुम ना कह सके। अरे अमीरों, तुम्हारे कुत्ते दूध पी रहे हैं और गरीब के बच्चे भूख से बिलख कर जाने दे रहे, ये क्या है, कहां का इंसाफ है यार। लिहाजा याद रखो, हम जब तक की चुप है ना, हमारी खामोशी को तुम गलत फायदा मत उठाओ। अब ये देश का हिंदुस्तानी जब जाग चुका है, अब हम जाग गए मोदी जी, अरे चौकीदार और तली पार की नींद हराम कर देंगे, नींद हराम कर देंगे हम। अरे हम सोच रहे थे यार कि ये चाय कहां बेचता था यार, ये चाय कहां बेचता था, तो एनआरसी लाकर इनने ठिकाना बता दिया। ऐसे नरेंद्र मोदी आज से रेलवे स्टेशन पर सी से चाय बेचता था। इतनी जरूरी बात आप तक पहुंचाऊंगा, थोड़ी थोड़ा सा अगर आप बेदार हो जाएं, तो नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, ये एनआरसी का मतलब है। हमें एनआरसी नहीं चाहिए यार, हमें सीए भी नहीं चाहिए यहाँ की जनता। अरे हमारे देश को मजबूत करना है यार, हम सब साथ है, और ये नारा आज नहीं लगा, अरे कलंदर लाहौरी ने, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यकीनन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलशिता हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
और हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। लिहाजा आपसे कहूंगा मेरे साथियों कि आप लोग अगर यहाँ का, मेरे को खबर नहीं कि आप कितनी वक्त रहते हैं यहाँ पर, दिन में क्या कंडीशन है, दिन में क्या पोजीशन है, और लेडीज से खातिन कितनी बैठी है मुझे यहाँ की खबर नहीं, जानकारी नहीं। पहली बार आज हाजिर हुआ हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंदौर में तो एक इनकलाब पैदा हो चुका है। और आपसे भी कहता हूँ कि याद रखे, खाली 2-3 घंटे का शो चल रहा है ऐसा कंडीशन नहीं बनाना है, बल्कि कुछ टीम बना ले, कुछ टीम वर्क करें कि सुबह से लेकर फजर से जोहर तक के कुछ साथी आकर बैठे, एक मोहल्ले वाले जोहर से असर तक बैठे, असर से मगरिब तक बैठे। हमारी लड़ाई बैठने की यार, जो खड़े ना नहीं, खड़े होने की नहीं, बैठने की। बैठो ना, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, कुछ काम की बात कहकर मैं जा रहा हूँ, बैठ जाओ जल्दी से बैठ जाओ। आप लोग पूरा पूरा साथ से पूरा सपोर्ट करें, और यकीनन खाली आप अकेले नहीं खड़े हैं, अकेले नहीं खड़े हैं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, हर गली हर मोहल्ला हर शहर हर बस्ती आपके साथ है। अरे यकीनन याद रखो, हमारे सीने इतने हैं, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएगी उससे ज्यादा हमारे सीने। तुमने हमारी वफादारी देखी कब है? अगर देखना और सुनो तो सुनो, जाओ गेट ऑफ इंडिया पर पल लो, सबसे ज्यादा तादाद इस हिंदुस्तान को अगर बचाने वादा कराने में कोई शहीद हुआ है वो मुसलमानों की है। तुम मिलकर मच्छर तो नहीं मिटा सके, हमें मिटाने की बात करते हो? अब हम मुनज़्ज़म हो गए, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने एनआरसी के नाम पर हम सबको एक कर दिया है, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे कर दिया है। हर अमन पसंद नागरिक चाहता है कि इस वतन से नफरत किया खत्म हो, एक मोहब्बत का माहौल बने। ये सूफियों का वतन है, ये संतों का वतन है। और याद रखो, हम क्यों जाए यार, हम क्यों जाए? अरे उनको भेजो जो कहीं से आए हैं, ये तुम्हारे बाप की जमीन है। जनाब आदम ने सबसे पहले ये कदम रखा था, तो हमारे बाप का हिंदुस्तान है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जाते जाते आपसे कहूंगा मेरे साथियों, साथियों हमें सजदों की दस्तक चाहिए, एक प्रदर्शन फजर में, एक प्रदर्शन जोहर में, एक असर में, एक मगरिब में, एक ईसा में, मस्जिदों में भी होना चाहिए। वो सजदों का हो, वो अल्लाह की बंदगी का हो, अल्लाह की बंदगी का हो। मेरे साथी याद रखो, मेरे हमारी कोई नहीं सुनता। अरे जो सुनने के लिए तैयार है उसको सुनाते नहीं यार, वो सुनने के लिए तैयार है, एक मरतबा उसको पुकार कर दे, 10 मरतबा उसकी रहमत कहती लब्बे लब्बे लब्बे। मेरे साथियों एक अच्छे शहरी बनो, अच्छे हिंदुस्तानी बनो, अच्छे मुस्लिम बनो, ताकि दुनिया तुम्हें देखे ना तो कहे यार कि जब ये इतना अच्छा है इसका दीन कितना अच्छा होगा, इसका दीन कितना अच्छा होगा। मैं आपसे अपील करता हूँ मेरे साथियों, आप सब मिलकर अपनी जो मेहनत उसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, और खास तौर से साइन बाग के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला अपना अमान अता फरमा। बौखला गए दोनों, एक चौकीदार है कड़ी पार बौखला गया है, कहीं पर गोली चलाई जा रही, कहीं पर फायरिंग की जा रही है, वो क्या सोच रहे कि ये कुछ दिन मर जाएंगे? अरे सुनो, हम उनके रक्त वाली माओ के बेटे, हमने अपनी माओ की गोदों से लोही चोरी नहीं सुनी, करबला और गजवा के वाकिए सुने। हम नहीं सरकने वाले, हम नहीं सरकने वाले। और अमित शाह कहता है 1 इंच भी नहीं हटेंगे, अबे कैसे हटेगा? साइन बाग ने तो किले ठोक दिए, किले ठोक दिए। अभी अभी एक सांसद ने बयान किया था कि हमारी गवर्नमेंट बन गई ना, अभी चुनाव में 14 तारीख को 1 घंटे में साइन बाग खाली करवा लेंगे। भैया केजरीवाल की गवर्नमेंट है लेकिन कानून तो मोदी का चल रहा है यार, पुलिस तो उसके हाथ में है, जब वो मिलकर ना हटा सकता तो तू क्या हटा देगा, तेरी क्या ताकत? और एक बयान और आया था वो गंजा तक लो योगी यूपी से, तीन गंजे याद रखो, ये तीन गंजों ने ना पूरे हिंदुस्तान को की नींद खराब कर दी है। अब हम जान गए ना, अब तुम्हें सोने नहीं देंगे। वो कहता है कि हम लोग रजाइयों में घुमक गए,
آیت نہ بولی، مرد لوگ رجائیوں میں چلے گئے اور عورتوں کو انہوں نے نکال دیا میدانوں میں. میں کہتا ہوں حقیقت مرد رجائیوں میں بیٹھے ہیں، عورتوں کو نکالا ہے کہ سن لے مردوں کی لڑائی میں مرد آتے ہیں. اور اللہ کا بھروسہ رکھو، یاد رکھو، اس نے بڑے بڑے بدبختوں کو، فرعون زمانہ کو غرق کر دیا. تو ہمیں یقیناً ہمیں امید رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، آج کا فرعون بھی غرق ہوگا، آج کا فرعون بھی غرق ہوگا. لیکن یاد رکھو، آپ سے کہوں گا، جاگ جائیں مسلمان، سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا. ابھی 29 تاریخ کو ہم نے بند کر کے دنیا کو دکھا دیا. مطلب یہ کہتے کہ 500 روپے میں بٹھایا عورتوں کو، 500 روپے میں. ارے ہم کہتے تم پورے سال جتنا کماتے بھی ہو نا، ایک مہینے کے رمضان میں اتنا لٹا دیتے ہیں. ہم سے کیا کرے گا کہ ہم تو سکی کھانے سے نسبت رکھتے ہیں کہ خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. ہم تو سکی کھانے سے، ہم علی کے گھرانے سے نسبت رکھتے ہیں. علی وہ ہے کہ سنو، یقیناً علی کا نام لے لو نا تو تاثیر بدل جاتی ہے. ارے گرو نانک جی کی تلوار پر بیچ میں لکھا تھا یا علی. گرو نانک سے پوچھا گیا، گرو نانک جی آپ نے اپنی تلوار پر یا علی کیوں لکھا ہے؟ تو گرو نانک جی کہتے ہیں کہ تلوار میں طاقت نہیں لیکن یا علی میں بڑی طاقت ہے. گاندھی جی کہتے ہیں میں نے ستیہ اور اہنسا کا پاٹھ امام حسین سے سیکھا ہے. گاندھی جی کہتے اگر امام حسین جیسا ایک مجھے سچا سپاہی مل جاتا تو میں ایک دن میں ہندوستان کو آزاد کرا دیتا. یاد رکھو ہم سب ایک اتفاق کے ساتھ ہیں، ہماری آواز بلند ہو رہی ہے. یہ میڈیا دبا رہا تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی ضمیر لوگوں کے مرے نہیں، زندہ ہے یقیناً. اور یہ میڈیا سے ہمیں کوئی لینا دینا بھی نہیں، نہ پھیلائے ہماری بات، کوئی بات نہیں. ارے ہم تو وہ ہے کہ لاہو کی طرح نہ گھن جاتے نا تو فضاؤں کے دلے پہنچ جاتا ہے. ہمارا تو روحانی کرنٹ بڑا مضبوط ہے، روحانی پاور بڑا مضبوط ہے. اور یہاں کے ناگرکوں سے کہوں گا، ان ہمارے ہندوستانی بھائیوں سے کہوں گا کہ یاد رکھو تم نے ہمیشہ ایک اینک لگا کر دیکھا ہے، وہ اینک تمہیں انہوں نے دیا ہے. اگر وہ اینک بدل کر تم محبت کا اینک لگا دو نا تو تم کہو گے کہ مسلمان سے بڑا کوئی وفادار نہیں ہوتا ہے، مسلمان سے بڑا کوئی وفادار نہیں ہوتا ہے. ارے کتنی اچھی بات ہے، اور ہندو مسلم ساتھ ہے. لہٰذا اس کاروے کو، اس پیغام کو آگے بڑھاتے رہیں. جب تک کہ ہم خاموش نہ بیٹھیں گے، جب تک کہ ہم چپ ہٹیں گے نہیں یہاں سے، ہم ڈٹے رہیں گے جب تک کہ کالا قانون واپس نہ ہو جائے. اور این پی آر کے لیے یاد رکھو، کوئی آئے نا 1 اپریل سے انہوں نے دن بھی کیسا چنا ہے، یہ جھوٹے ہیں نا، یہ جھوٹ کی بنیاد پہ جو ستا میں آئے. یار میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یاد رکھو، ای وی ایم کی طاقت پہ آنے والوں اگر تم میں تو پھر سے کروا لو چناؤ، پھر بتائے گی جنتا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، ضمانت جلد ہو جائے گی. جھوٹ کی بنیاد پر آنا تو انہوں نے 1 اپریل کو کیا تھا بولا، اپریل پور. یہ این پی آر ہے نا، وہ جھوٹ والے دن ہی رکھا ہے انہوں نے. اور ہم نہیں گھبرائیں گے، آپ کے پاس کوئی آ جائے نا گورنمنٹ والا، وہ کہے کہ جانکاری بتا تو مطلب پہلے تو اپنی ناگرکتا سدھ کر، تو گھسپیٹی ہوا تو تیرے کو میری جانکاری کیوں دوں یار، پہلے تو بتا تیرا باپ کہاں پیدا ہوا تھا، تیرے والد کا سرٹیفکیٹ لا کر بتا، پہلے اپنی جانکاری دے. اگر تیری جانکاری سچی ہوئی، فٹ ہوئی، ڈی والا معاملہ نہ ہوا تو ہم اپنی جانکاری دیں گے، اور نہیں ہے تو سن لے پہلے اپنی جانکاری مودی سے لے کر آ، اس کے بعد ہمارے سے بات کرنا. اور میں وہ 3 لوگ جا رہا ہوں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وہ 3 بندوں کو ڈھونڈ رہا ہوں یار. اگر آپ کو ملے دیواس کی کسی کونے میں تو مجھے لا کر ملوا دینا ہے، میں اندور میں رہنے والا ہوں، بامبے بازار میں. وہ 3 لوگ ڈھونڈ رہا ہوں، پہلا تو وہ ڈھونڈو جس نے مودی کے ساتھ پڑھائی کی تھی، اور دوسرا وہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ جس نے مودی کا 56 انچ کا سینہ ناپا تھا ٹیلر، اور تیسرا اس کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ جس نے مودی کو جھولا پکڑ کر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا. ارے کیسے ہے بے تو، اتنی لمبی فیک رہا کہ اس کے ختم ہو گئے.
दुनिया में आज तक किसी प्रधानमंत्री को इतनी गालियां ना पड़ी, मोदी को जिनके बदौलत 57 गालियां मुझे 57 जबान में गालियां मिल रही। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, आप तो सरू के मारे, अबे चुल्लू भर पानी में भी मत डूब, तू तो बिना पानी के डूब पर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा अमनोमान, शांति वाला प्रोटेस्ट जिंदाबाद। आप सब हिम्मत हौसले के साथ डटे रहे, हम आपके साथ हैं, पूरी आवाम आपके साथ है। यकीनन याद रखो, अगर वक्त आएगा ना जान देने का, तो सबसे पहले आपका ये भाई खड़ा है, सबसे पहले आपका ये भाई खड़ा है। याद रखो, ये मुल्क के आईन को बचाने के लिए, ये मुल्क यार हिंदुस्तानी हमसे कहते हो यार। अभी हमारे वहां लियाकत बाबा ने अपने देखी हुई किली खोपड़ी में झंडा गाड़ा था, कहां पर बोलो, कील ठोक कर खोपड़ी के अंदर तिरंगा लहराया था, इंदौर के लियाकत बाबा है। मैंने कहा कि संघ वालों के ऑफिस में आज तक तिरंगा ना लहराए हो और कहते हो देशभक्त हो, अरे हमारी देशभक्ति देखो, अपने सरों का नजराना तिरंगे के लिए दे लेते हो। अल्लाह ताला आपके शांति वाले प्रोटेस्ट को कामयाब फरमाए, हिम्मत ना छोड़े, घोषणा ना छोड़े, मैदान ना छोड़े। प्रशासन से कहूंगा आप हमारी जनता के ताल्लुक से बेफिक्र हो जाओ, अरे हम तो बड़े सब्र वाले हैं यार, बड़े सब्र वाले। नोटबंदी की लाइन में लगाया हम लग गए, जीएसटी में धोखाया हम धक गए, गोहत्या के उसमें उलझाया हम उलझ गए, लव जिहाद के नारे में मारा हम उलझ गए। हमने कभी जबान ना खोली, मॉब लिंचिंग कराया, ना जाने कितनों की बेगुनाहों की हत्या की, हम चुप रहे। 370 हटाया हम चुप रहे, उसके बाद तुमने बाबरी मस्जिद का फैसला गलत किया हम चुप रहे। अब एनआरसी कर रहे हो, अब तो हमारी आवाज बुलंद हो गई है, अब सारे बदले लेकर रहेंगे।